तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग की थर्ड पार्ट यूजर फॉर्म के बारे में। और यूजर फॉर्म में हम बनाने जा रहे हैं एक लॉगिन फॉर्म। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, रेखा वन, और यहाँ पे देता हूँ उदय। तो हमारे पास पांच सीट है और यहाँ पे मैं एडमिन का कर देता हूँ एडमिन, और छठा सीट हमारा एडमिन सीट हो गया, और छठा सीट हमारा है बेल का। एडमिन सीट में हम यहाँ पे यूजर और यहाँ पे पासपोर्ट का लिस्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया पूजा, नीरज, रेखा, उदय, रेखा, नीरज, उदय, मोहन मिस कर गए सर। हाँ मोहन मिस कर गया, मोहन, और हमारा एक एडमिन। ठीक है, और यहां पे इनके ये है, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देता हूं, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। हालांकि इसको हम दूसरे फाइल या एक्सेस या एसक्यूएल में भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना हाई भी नहीं सिखा रहा हूं अभी। नॉर्मल सी देखिए हम कैसे करते हैं। 13, 14, 16, एंड यहाँ पे एडमिन में हम दे देते हैं राइट। अब मैं क्या है कि मेरा इसमें बाकी सारे शीट्स हाइड रहेंगे। अब मैं इसके लिए एक यूजर फॉर्म डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि तो मुझे आईडी और पासवर्ड दोनों चाहिए राइट ना। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल यहां से जो हमारी जो प्रोटेक्शन होती है प्रोटेक्शन करूंगा, तो हर कोई हर सीट एक्सेस कर पाएगा। मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी हो, उस पे जो यूजर नेम और जो पासवर्ड डाले वो उसी शीट पे जाए और बाकी सारा शीट हाइड रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां जाते हैं यूजर फॉर्म पे, यूजर फॉर्म। और इस यूजर फॉर्म में हम यहां देते हैं एक एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं, एक लॉगिन पेज। ये हमारा हो गया यूजर, और दूसरा हो जाएगा हमारा पासवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे बटन देते हैं एक और बटन देते हैं यहाँ पे लॉग इन एज ए गेस्ट। इसे चेक बॉक्स दे देते हैं यहां पे लॉग, लॉग इन। इसका टाइटल हम यहां पे देते हैं नेम और यहां पे पासवर्ड। और पासवर्ड में करेक्टर हमारा दिखे ना, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं
और नीचे इसके हेडिंग में आप देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा पास करेक्टर, इसके जगह पे मैं स्टार देते ताकि आप कुछ भी लिखेंगे तो विजुअल स्टार होगा, ओरिजिनल जो वैल्यू होगा वही होगा। अब इसमें हम कोड देते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पे मैच करेंगे कहां पे एंड मिल जाएगा, ये आपका लूप चलेगा यहां पे कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू कहां से नीचे से सेवन तक, मैं सेवन देता हूँ फिक्स, या फिर आप अपने साथ चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी दे सकता हूँ कि भाई लास्ट तक चले, या कंडीशन देना है कि इफ मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सीट्स, सीट्स में मैंने दिया एडमिन, और एडमिन में डॉट यहाँ पे रेंज, और रेंज में हमने दिया ए, इसके साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू, एंड क्योंकि मुझे दो टेक्स्ट बॉक्स टू को भी मैच करना है तो यहां पे मैं दूसरा देता हूं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स टू और यहां पे कॉलम बी, अगर दोनों ब्राउज क्या हो तब क्या होगा, एक और लूप चलेगा कि फोर आई जे होगा यहाँ पे, जे इक्वल टू चले वन टू कितने शीट्स हैं, पांच छह शीट्स है ना, एक दो तीन चार पांच छह, वेलकम तो रहेगा सबके जगह पे, छह शीट होगा सिक्स, और यहाँ कंडीशन होगा कि इफ एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू नॉट इक्वल डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू। यहां पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमारा शीट नेम जो है वो इसमें टाइटल केस में है, बट हमारा यूजर नेम जो यहाँ एडमिन में टाइप होगा वो तो स्मॉल लेटर में होगा, तो यहां पे दिक्कत होगी क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, तो उस केस में हम दोनों को यू केस में कन्वर्ट करके अपर अपर लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, चेक करते समय ओरिजिनल जैसा वैसा ही रहेगा, जस्ट हम इसको चेक करते समय यू केस कर देते हैं कि भाई जो टेक्स्ट बॉक्स में डला है उसको छोड़ के बाकी सब को हिडन करना है, एक्टिव शीट नहीं यहाँ पे, यहाँ ये गलत हो गया, शीट आई डॉट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, सबको हाइड कर दिया, लेकिन मुझे यहां पे एक्टिव शीट के जगह पे देना सीट डॉट नेम, रीडर एंड हैंडल्स, और यहां पे हम दे देंगे सीट्स, और जो एक सीट जिसके ने पासवर्ड डाला है वो अनहाइड होना चाहिए, तो हमने यहां पे दे दिया डॉट टू
नेक्स्ट या बैड डेफ हेलो हाँ जी सर, सर, ये मी क्यों लिखा है? एन इन मी मी मतलब ये एक्टिव यूजर फॉर्म, जैसे एक्टिव सीट लिखते हैं, एक्टिव वर्क लिखते हैं, तो एक्टिव फॉर्म इट मींस मी। और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, वो कैसे मतलब असाइन हो रहा है? मतलब उसको कैसे पता चल रहा है कि जो पहला है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है और दूसरा है वो जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है? हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम है सर, टेक्स्ट बॉक्स 1 जैसे ओके सी टू होता है ना, ऐसे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 इस तरह से डिफाइन हो जाता है। ओके ओके ठीक है, हाँ हो गया। और लास्ट में हम यहां पे कर देते हैं अनलोड मी, मतलब कि यूजर फॉर्म को रिमूव ए कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये हो गया, तो ये तो यूजर फॉर्म कमांड बटन के क्लिक हो गया। अब कमांड बटन पे एक चीज और है यहाँ पे, अगर इस पे क्लिक होगा तो क्या होगा, तो इस पे भी अनकोड करना पड़ेगा हमें। हम लिखेंगे कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्लिक किया है तो क्या होना चाहिए, देन मी डॉट लिस्ट बॉक्स ए हो गया, मी डॉट text box 1 dot enable इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि उसको हम फॉल्स ए कर देते हैं, एनेबल कर डिसेबल कर देते हैं। और मी डॉट टेक्स यहां पे text box 2 dot enable इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मान लो कि हम क्लिक करेंगे और अनचेक भी करेंगे ना, तो हमें यहां पे एल्स भी देना पड़ेगा, तो एल्स में इसका अपोजिट हो जाएगा, फॉल्स जो है ट्रू हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। और यहां लूप चलाने से पहले हमें यहां ये भी चेक करना होगा, चल करना होगा कि यहां पे कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ वेलकम वाली सीट रहेगी, बाकी कोई सीट नहीं रहेगी, समझे? तो एक साथ सारी शीट की विजिबिलिटी को हमें हाइड ए करना है, हिडन करना है, वेरी हिडन करना है। तो इसके लिए यहां पे हम देंगे कि 4 i = चले 1 2 6, और जितने भी उसको वेरी हिडन कर दे। एंड इफ नहीं, यहां पे एल्स करना होगा, एल्स में ये बाकी कंडीशन चलेंगे। सर सॉरी सॉरी लोड टू भी करना इंटरप्ट यू, पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ऊपर आपने लिखा है फॉर i 1 to 6 और नीचे लिखा है फॉर i 2 to 7। कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल ओवरराइट हो जाता है। हाँ, दिक्कत है तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, नहीं, 1 to 6 डाला है ना ऊपर, और नीचे दिए आपने कि वन टू सिक्स सिक्स जो है सीट के लिए है कि 1 से 6 सीट तक चले, क्योंकि 7वां हमारा कम सीट है,
तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता ओके है, ठीक है, ओके इसलिए से। और यहाँ ओके पे नेक्स्ट आई लोड मी, और यहाँ पे नेक्स्ट के। तो अब जब यूजर फॉर्म जब चलेगा, यहाँ से देखिए चलेगा, तो यूजर फॉर्म चलेगा तो किस इस तरह से दिखेगा। यूजर फॉर्म वन की जगह भी लॉग इन लिख देता हूँ मैं, और जैसे मैं गेस्ट पे लॉग इन करूंगा, एक मिनट, इसमें कहीं पे इफ जो है आ गया, यहाँ पे एंड इफ छूट गया था। जैसे मैं सॉरी इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए इस किसी पे क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि सारी शीट हाइड हो जाएगी और सिर्फ एक वेलकम शीट दिख रही है। ओके, अभी इस यूजर फॉर्म का जो ऊपर का टाइटल यूजर फॉर्म है उसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से कैप्शन दिख रहा होगा, यूजर फॉर्म पे क्लिक करें नीचे कैप्शन दिखेगा, इस कैप्शन के जगह पे मैं कर देता हूँ लॉग इन, ठीक है। अब ये फॉर्म विजुअल होना चाहिए ओपन होते ही, और ओपन होते हुए मुझे अब यहाँ पे एक चीज और करना, देखिए ये जो कोड हमने लिखा है वाले, एक कोड आपको ओपन होते ही लिखना है, वर्कबुक और ओपन, तो जितने भी सीट अगर गलती से ओपन रह गए हैं उस सब को हिडन कर देगा। और यूजर फॉर्म वन को शो कर देगा, समझ गया। सर नेक्स्ट के हाँ के होना चाहिए, माफ कीजिएगा, हाँ के होगा। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव करता हूँ अपने फोल्डर में, मैं सेव डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ लॉग इन के नाम से। अपनी इस फाइल को खोलता हूँ, खुला, हमारा वेलकम सीट सिर्फ दिख रहा है। अब मैं यहां पे पूजा और उसकी पासवर्ड को डाल दिया एंड लॉग इन पे क्लिक किया, यहां दिख रहा है आपको सिर्फ पूजा को छोड़ के बाकी सब हाइड है क्या। मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, मैं डेवलपर टैब यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक सीट पे एक बटन क्रिएट हो चेंज लॉगिंग का, समझे। उसके लिए हमें एक मैक्रो क्रिएट करना होगा, इंसर्ट यहाँ पे मॉड्यूल्स, और हम यूजर फॉर्म को क्लिक करेंगे चेंज सी एच एन एल ओ लॉग, यहां हम देते हैं, यहां पे जो हमने इवेंट मैक्रो में दिया है कि दिस वर्कबुक ओपन है, ठीक है। मैं इस कोड इसको यहां पे बटन से एक लेता हूं और यहां देता हूं, इन लॉगिन पे मैं लगा लिया, और इस पे लिख देता हूं चेंज इसको। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा पूजा गायब हो गया, मैं यहां पे एडमिन देता हूं, एडमिन, इसमें SS12 था ना, अब यहां देखिए ये आपका दिक्कत दे रहा है ना,
क्योंकि पासवर्ड में ये सीट 7 को क्यों कर दिक्कत कर रहा है? सीट भाई, ओ यहाँ आ होना चाहिए था। बिना आ गया, ठीक है। चैट कौन भेज रहा मुझे? समझ में आ गया आप लोगों के? फाइल मैं सबको भेज देता हूं, आप लोग इस फाइल को यूज करेंगे और यूजर फॉर्म, क्योंकि इसमें जितने भी कोड मैंने लिखे हैं वो मोस्टली कोड तो आपको आते ही हैं, हमने बस उसको इंप्लीमेंट बताया है। क्या सर? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक अच्छा सा फॉर्म बना के बताइएगा। तो अनलोड मी क्या करता है? क्या अनलोड मी वो अनलोड मी था ना को है। हटाता है? क्योंकि जब तक आप यूजर फॉर्म को नहीं हटाओगे तब तक आपका हाँ टीम सर, पे वर्क थोड़ी करने देगा। ओके। ओके, तो प्रशांत जी अपनी ईमेल आईडी बताएंगे क्या है? टी वोल्ट है, टी तो पी एच अनलोड वाई करके टी। लॉग आउट का काम करेगा ना? एक एक बताइए, प्रशांत जी आप बताइए। PBHYTE पी टी बोलते अच्छा हैं। ये आ गया। ओके, और आपका है प्रकाश चंद्र जी, क्या आपका है? PDHOUNDIYL एक भी एक एक बता रहे, तो स्पीड में नहीं कर पाऊंगा।